राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पड़पड़गंज विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर सदस्यता अभियान का प्रचार कर रहे आप कार्यकर्ताओं को लोगों ने पीटा। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई की है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के दौरान बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधानसभा में वह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, इस दौरान बाइक खड़ी करने के दौरान कुछ लोगों ने कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और शीर्ष नेताओं को गाली गलौज करते हुए घसीट घसीट कर पिटाई की। बीच बचाव में आए आप कार्यकर्ता की भी पिटाई की, जिससे वह घायल हो गए। फिलहाल कार्यकर्ताओं द्वारा थाना कल्याणपुरी में शिकायत दे दी गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। सर, कल दोपहर के 1 बजे की बात है कि हम जय भारती कैंप से अपना कैंपेन करके इधर अपने गली नंबर 3 की तरफ घुस रहे थे, तो पार्किंग को लेकर जैसे शांतनु ने बताया कि उन्होंने तू तड़ाक की, फिर उसके बाद गालीबाजी करी, फिर हमने हमारे नेताओं शीर्ष नेताओं को गालियाँ दी। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चुपचाप बातचीत से बात निकल जाए, तो हमने समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया, एक दो लेडीज़ को आगे कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब 5-10 मिनट हो गए, तो फिर अचानक से जब भीड़ उनको लगा कि उनके समर्थक ज़्यादा आ गए हैं, तो अचानक से उन्होंने हम पे हमला कर दिया, ठीक है। और हमारे एक साथी जो कुलदीप जी हैं, उनका उन्होंने फ़ोन छीन के नाली में भी डाल दिया, ठीक है। हम पुलिस को हमने बुलवाया, पुलिस ने जब फ़ोन को जब्त करने के लिए कहा, तो बोला कि जी हमने नाली के अंदर फेंक दिया था, तो वो खोद के निकाला गया, तब वो फ़ोन मिला है। तो ये लोग बड़े मतलब जलालत पे आ गए हैं, जब ये देख रहे हैं कि सफलता मिल रही है आम आदमी पार्टी को MCT कैंपेन में, तो ये अब उस जलालत पे आ गए हैं कि हम लोगों को मारपीट पे आ गए हैं। ये लोग BJP RSS से जुड़े हुए शख्स हैं, J55 इनका एड्रेस है, ईस्ट विनोदनगर में, ठीक है। तो हमने इनको कई बार बोला कि बातचीत से कर लेते हैं बात, लेकिन नहीं, इन्होंने हाथ छोड़ दिया पहले। तो क्या कोई FIR जी, हमने कल्याणपुरी थाने में कंप्लेंट करा दी है, ठीक है। और हमारा MLC वगैरह हमने करा दिया था पूरा कल ही, और शिकायत हमने पूरी दर्ज करा दी। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है, अभी बुलाया थाने वालों ने 2 बार इनको बुलाया है, ठीक है, इनसे इनका पक्ष पूछा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्चुअली हम लोग जय भारती कैंप में पड़ चुके थे, और हम लोग आ रहे थे जे ब्लॉक में अपन कैंपेन करने के लिए, क्योंकि हम सबसे पहले थे, आगे थे सबसे, तो हमने बाइक लगाई, किनारी लगाई थी। उनका आरोप था, एक उधर से निकल के आया एक हैवी बिल्ड, वो थे एक आदमी और साथ में था, काफ़ी मोटे थे, आई थिंक बॉडी बिल्डर टाइप रहे होंगे वो। तो उन्होंने कहा बाइक यहाँ से हटाओ, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? मैंने ठीक भाई साहब, हटाते हैं बाइक। उसके बाद केजरीवाल साहब को गंदी से गाली दी, और हमारा बाइक बिल्कुल कोने में सटा दिया दीवार के नज़दीक। और उसके बाद आप लोग पेड हो, क्या हो, क्या हो, कैसे आ जाते हो, ये वो गाली देने लगे वो। तो इस बीच हमारे ये चेयरमैन साहब हैं तरुण जी, मोतीलाल नेहरू के चेयरमैन हैं, ये आ गए, ये भी हमारा बचाव करने की कोशिश की, बहस मतलब जवाब देने लगे। तो अब धीरे धीरे बात बढ़ गई, और उन्होंने बहुत अपशब्द का उपयोग कर रहे थे वो। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन पे पिल पड़े लोग, देखो हमला ही कर दिया इन पे, इनको दीवार में बिल्कुल, ये देख रहे हो आप, इसके गेट बिल्कुल यूँ पकड़ के ले आए। और उसके बाद फिर मारा हो रहा, तो हम लोग बचाने के लिए बीच में आए, हम क्योंकि टारगेट इन पे था। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रचार करे, ये BJP समर्थक हैं, हम लोग को पता है। आप देखिएगा उनका घर भी केसरिया रंगा हुआ है। क्या नाम है उनका? नाम तो शायद कोई नाम, आई एम नॉट श्योर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।